नमस्कार दोस्त। तो दोस्तों, मैं आपको रावण और लक्ष्मी ये दोनों की बातें बता रही थी। इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी कि शिव ने रावण को वरदान तो दे दिया, लेकिन वरदान देने के बाद खुद बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि ये लक्ष्मी के विरुद्ध कार्य था। अब वो जाकर लक्ष्मी को तो ये कह नहीं सकते थे कि आप जाइए और रावण की ज़िंदगी में पूरी तरह से विराजमान हो जाइए। शिव बहुत सोच में पड़े और उन्होंने आंखें बंद की। त्रिनेत्र से उन्होंने माँ सरस्वती को याद किया, क्योंकि अब जो काम था वो माँ सरस्वती का ही काम था। और माँ सरस्वती समझ गई शिव का इशारा कि शिव क्या कहना चाहते हैं। भोलेनाथ ने रावण को वरदान दे दिया है, अब खुद सोच में पड़ चुके हैं। एक शाम ऐसी रचना की जाती है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली यानी पार्वती, ये तीनों एक साथ हमेशा घूमने के लिए निकला करती थी और देखा करती थी पृथ्वीवासियों को कि पृथ्वीवासी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और उनके ज्ञान का, उनके धन का और उनकी दी हुई शक्ति का सदुपयोग हो रहा है कहाँ और कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही ये तीनों गुजर रही होती हैं तो सोचती हैं कि मनुष्य तो बहुत सारी तरक्की कर रहा है और ईंटें और मिट्टी के घर बनाते हैं सब लोग। तो पार्वती जी के मन में अचानक से न मालूम क्या आता है, क्योंकि उनमें से पार्वती जी ही एक ऐसी होती हैं जो राजकन्या होती हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर आई होती हैं, लक्ष्मी का भी त्याग, धन दौलत ऐश्वर्य का त्याग कर चुकी होती हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से वो तपस्या करती हैं और तपस्या करके वो शिव को प्राप्त करती हैं। तो उनकी जब उन्होंने जो ऐश्वर्य, जो धन दौलत भोगी है, उसका जो उन्होंने सुख भोगा हुआ है, वो उनके दिमाग में अचानक से आ जाता है और अचानक वो दुनिया और देखते देखते वो सोचती हैं अपने मन में, और माँ सरस्वती उनके मन में एक ख्याल रख देती हैं। वो शिव का इशारा होता है और शिव के आशीर्वाद जो उन्होंने रावण को दिया है उसको पूरा करने के लिए माँ पार्वती के मुँह से निकलता है कि काश धरती पर कोई सोने का एक महल होता। तो लक्ष्मी जी पार्वती जी को देखती है, कहती है आज कहाँ से आपको सोने के महल का ख्याल आया, और ख्याल भी अजीबोगरीब, ईंट के मिट्टी के घर हुआ करते हैं और आप सोने के महल की बात कर रही हैं। पार्वती जी ने बोला, बस यूं ही मन हो गया कि काश एक सोने का महल होता धरती पर। लक्ष्मी जी ने बोला कि आइडिया तो बहुत अच्छा है सोने का महल, और तुरंत उन्होंने बोला कि मैं बुलाती हूँ अभी विश्वकर्मा को, मैं बुलाती हूँ अभी धनाध्यक्ष को कि वो धन कुबेर का खजाना पूरा खोल दें और एक निर्माण करें सोने की महल का। सोने के महल का निर्माण हो ऐसी कल्पना करके, और उन्होंने ताली बजाई। आज के ज़माने में फ़ोन करते हैं, पुराने ज़माने में यूं तालियां बजाती थी तो प्रकट हो तो वो प्रकट हो जाया करते थे। ये हमारा टेलीपैथिक सिस्टम था जो आज भी है, लेकिन हम आप भी उसको बिलीव नहीं करते, हम उसको विश्वास नहीं करते। तो धन कुबेर आ गए, विश्वकर्मा जी आ गए, बोले जो आज्ञा को दीजिए, आज्ञा क्या आज्ञा दे रही हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि पार्वती जी की इच्छा है कि पृथ्वी पर
सोने का महल बनाया जाए। विश्वकर्मा जी तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह, पहली बार मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। लोग ईंटें मिट्टी के घर बनाते हैं और घास फूस के झोपड़े बनाते हैं, और सोने का महल, ये कल्पना तो माता पार्वती ही कर सकती हैं, क्योंकि राज रानी जो ठहरी। बात आई गई और इधर रावण तपस्या करने लगा, शिव ने उसको वरदान दे दिया, तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया और बहुत प्रसन्न हो गया। यूं फुक के एकदम अपने बाप दादाओं के पास गया, नाना दादा के पास गया, जाके बोला शिव से मुझे वरदान मिल गया। किस चीज़ का वरदान मिल गया? लक्ष्मी को प्राप्त करने का। अरे मैं तो यहाँ तक वरदान लेके आया हूँ कि मैं, अगर लक्ष्मी मेरे पास आई, और अगर क्यों, आएगी ही आएगी, विश्वास था उसको, क्योंकि वो तपस्वी था, वो ज्ञानी था, और वो अपने ज्ञान का उपयोग अपने हट के लिए कर रहा था, अपनी पॉजिटिविटी के लिए कर रहा था, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए और अपने आगे आने वाली जनरेशन को समृद्ध बनाने के लिए कर रहा था। तो उसने बोला कि मैं विद्वान हूँ, ब्राह्मण हूँ, और सरस्वती की कृपा से लक्ष्मी को प्राप्त करने का उपाय मैं अपने शिष्यों को भी बताऊँगा और उसकी रचना भी ग्रंथों की करूँगा, और मेरे द्वारा बनाए गए मंत्रों और मेरे द्वारा पूजन की गई लक्ष्मी के मंत्रों से जो भी लक्ष्मी का आह्वान करेगी, वहाँ लक्ष्मी का आना निश्चित ही है, लक्ष्मी को वहाँ आना ही आना पड़ेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं कि रावण के जैसा विद्वान न भूते हो न भविष्यति, ये भगवान ने कहा है कि 14 भुवन में, 14 जो लोक है, 14 जो ब्रह्मांड है, उसमें रावण के जैसा विद्वान न भूतो, न कभी हुआ है, न भविष्यति, ना कभी होगा। और इतना बड़ा विद्वान अगर लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय की रचना करता है, अपनी गरीबी को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने योग के द्वारा अगर वो दूर करने के लिए हठ योग धारण करता है, तो वो निश्चित ही बहुत बड़ा विद्वान होगा। रावण ने अपने पिता से और अपने दादा से सबसे आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद वो बोला कि मैं अब तप करने के लिए जा रहा हूँ, और जब तक एक ऐसा साम्राज्य ना बना लूँ, एक ऐसा महल ना स्थापित कर लूँ जहाँ श्री हो, यानी लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी हो, लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे जबरदस्ती, चाहे तप से, चाहे यज्ञ से, चाहे किसी भी चीज से, तब तक मैं नहीं लौटूंगा। ऐसा प्रण करके रावण अपने बाप दादा को प्रणाम करता है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की, अब तक तो वो शिव की तपस्या कर रहा था, अब वो लक्ष्मी की तपस्या। देखिए दोस्तों, रावण के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा भृगु ऋषि को श्राप देना कि ब्राह्मण के पास जन्म जन्मांतर तक लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी, बाद में सरस्वती जी और पार्वती जी का प्रसन्न होना, और बाद में लक्ष्मी जी का, इधर रावण की इच्छा, रावण का वरदान मिलना, रावण की एक इच्छा, रावण को वरदान मिलना, इधर शिव के द्वारा सोचना, और उधर पार्वती जी की इच्छा। अब पार्वती जी की इच्छा, पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को प्रकट की, इधर रावण ने अपनी इच्छा शिव के सामने प्रकट की, इधर कुबेर जी और धनाध्यक्ष और विश्वकर्मा जी को बुलाया गया जो घर वगैरह बनाते हैं। इधर रावण आके कहता है कि अब तक मैंने शिव की तपस्या की,
अब मैं शिव के साथ लक्ष्मी की भी तपस्या करूंगा। तो इधर एक प्लैनेट पे अगर आप एक इच्छा करते हैं लक्ष्मी को पाने का, चाहे जिस भी तरह से, क्योंकि जिसकी जो टेंडेंसी है वो उसी टेंडेंसी से लक्ष्मी को प्राप्त करने का जरिया बनाएगा। और उधर ईश्वर के मन में वो इच्छा शुरू होने वाली होने लगती है। और इन दोनों के बीच में एक गैप जो है, इसे हम क्या कहते हैं, समय। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा कि इन दोनों के बीच में उनकी इच्छा और इनकी इच्छा, इधर ये तप करने के लिए गया, उधर लक्ष्मी जी ने बोल दिया कि ठीक है बनाओ। रावण को भी अपना साम्राज्य चाहिए जहाँ सिर्फ धनी धनो, धन ऐश्वर्य संपदा, जिस घर का के नाम का शुरुआत ही वो करेगा श्री से। और धरती पे जिस क्षेत्र में रावण ने तपस्या की थी उस क्षेत्र का नाम था लंका, और श्री लक्ष्मी जी का ही एक सबसे बड़ा नाम है। तो लंका क्षेत्र में रावण ने तपस्या की और श्री वहां पे आके विराजमान हुई। अब कैसे वहां पे श्री आके विराजमान हुई, कैसे रावण ने तपस्या की इसका, और कैसे रावण ने ग्रंथों की अथक प्रयत्न से रचना की, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप अपनी लाइकिंग भेजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।